जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ, तो छुट्टी से संबंधित कईयों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारा कोई पेपर है या हमको छुट्टी मिल जाएगी या हम ज्वाइनिंग पोस्टपोन करें और ट्रेनिंग में हमको छुट्टी मिल जाएगी, या हमारे इतने साल की तैयारी है और भी एग्जाम है, जैसे राजस्थान में रीट का पेपर है 25 अप्रैल को, और भी इस प्रकार के जैसे क्वेश्चन मतलब कई आते हैं जिनके पेपर होने वाले हैं, कईयों का CPO का भी है और स्टेट पुलिस के भी कईयों के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको कि ट्रेनिंग में छुट्टी कब से मिल सकती है या आपको ज्वाइनिंग टाइम पे कब छुट्टी मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कईयों के शादी के प्रोग्राम भी है कि सर हमारे अप्रैल में शादी है भाई की बहन की, और ट्रेनिंग के टाइम पर अगर किसी भाई की या बहन की शादी है तो उस समय आपको छुट्टी मिलने के चांसेज कितने रहते हैं और क्या छुट्टी मिलती है। दोस्तों तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम आपकी, अगर मान लीजिए अप्रैल में ज्वाइनिंग होती है दोस्तों, अप्रैल 1 से, या मार्च में अगर 28 या 27 या मार्च के लास्ट महीने में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उससे कम से कम एक महीना अगला आप लेके चलिए, उससे अगले एक महीने में अगर आपका कोई भी पेपर है या कोई भी प्रोग्राम है घर पर शादी का या आपका कोई पेपर है, तो फिर उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से छुट्टी मिल जाएगी क्योंकि उस समय तक आप ग्रुप सेंटर में रहोगे। तो अगर किसी का 25 अप्रैल को जैसे रीट का एग्ज़ाम है, तो अगर जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं और नहीं किए हैं वो कर देना, आपको रीट का एग्ज़ाम देने का ज़रूर मौका मिल जाएगा। और भी 25 यानी अप्रैल के महीने में जिनके एग्ज़ाम है या शादी का प्रोग्राम है, तो आपके काफ़ी चांस है कि शादी के प्रोग्राम आप अटेंड कर पाओगे, क्योंकि आप ग्रुप सेंटर में जितने दिन रहोगे उतने दिन आपको छुट्टी लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों आपको छुट्टी मिल जाएगी क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर आप जब तक नहीं जाते तब तक तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं है। बाद में बात करेंगे हम ट्रेनिंग सेंटर की। तो ग्रुप सेंटर में से छुट्टी कैसे मिलती है, जैसे आपको क्या कर, जैसे मान लो आपकी अगर 21 मार्च की या 25 मार्च की या 30 मार्च की 1 अप्रैल की जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उसे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई है वो कम्प्लीट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन और आता है साथ में कि सर हमारी ज्वाइनिंग पोस्टपोन कराएं तो कैसे कराएं, हम क्या बाद में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, तो इसके बारे में आप जिस ग्रुप सेंटर में आपकी ज्वाइनिंग आई, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपका डिपार्टमेंट लिखा हुआ जाएगा भाई आपका इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो जिस डिपार्टमेंट में फिर आपका सिलेक्शन होता है, तो जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो जिस ग्रुप सेंटर में आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उस ग्रुप सेंटर में आप ज्वाइनिंग डेट से पहले ही चले जाना, 5-6 दिन, 5 या 6 या 10 दिन पहले ही आप ग्रुप सेंटर में पहुँच जाना। वहाँ DIG महोदय रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना कि भाई बात करने की, उनको अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाना, आपको एंट्री मिल जाएगी गेट में। तो आपको जैसे एंट्री मिलेगी, आप गेट में एंट्री मिलके फिर आपको वहाँ पर जो ग्रुप सेंटर में BHM जो मतलब होते हैं वहाँ के अधिकारी, जो फिक्स आपके लिए एक डिटेल होता है वहाँ पर, तो उनसे बात करिए, आपको बता देंगे वहीं से कि हम नए ज्वाइनिंग करने वाले हैं, हमको ऐसे ऐसे बात करनी है, तो आपको वहीं से आपको BHM मिल जाएंगे। BHM में आपको DIG के सामने पेश कर देंगे कि भाई इनको DIG से मिलना है, या जो भी आपका रीजन है आप वहाँ पर ज़रूर बताना कि मैं इस प्रकार से मेरी ज्वाइनिंग पोस्टपोन कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ सर। तो वो उसमें 2-3 प्रकार के होते हैं कि आपको पोस्टपोन कर सकते हैं, या आपको ये बोल सकते हैं कि आप ज्वाइनिंग कर लो, आपको 2 या 3 महीने की छुट्टी दे देंगे हम। कई प्रकार के होते हैं, 2 या 3 महीने की छुट्टी भी मिलती है आपको ज्वाइनिंग के बाद में, क्योंकि 2 महीने की जो ये होती है आपकी ट्रेनिंग अगर अगले साल करते हैं तो उसमें से वो छुट्टी रेगुलराइज कर सकते हैं आपकी, कि इनको इतने दिन में छूट भी दे सकते हैं, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी दे या आपको ये बोले कि ठीक आप इतने दिन लेट ज्वाइन कर लेना, तो आप खुद से ऐसी कोई कार्रवाई ना करा कि भाई आप खुद से ज्वाइनिंग ना करो, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना, आप जिस ग्रुप सेंटर में आपको ज्वाइनिंग आती है उस ग्रुप सेंटर में जाना और जो मैंने प्रक्रिया बताई उतनी से प्रक्रिया करना, ताकि उसके बाद में अगर क्या डिसीजन निकलता है फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम रहती है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग, ये तो मैंने बता दिया कि इस 1 महीने में आपको छुट्टी मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस 1 महीने में आपके परिवार में कोई शादी है या आपकी खुद की शादी है तो भी आप करके जा सकते हो, और पेपर है किसी कईयों के तो वो भी पेपर दे सकते हो। कब, ज्वाइनिंग से अगले 1 महीने तक आपके ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी, कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 दिन 25 दिन का टाइम लग ही जाता है, क्योंकि आप सभी का एक साथ डॉक्यूमेंट्स वर्क नहीं होगा। लेकिन जब ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाओगे तो सभी जाएंगे, और इस बार तो कोरोना चल रहा है तो और भी लेट हो सकती है, क्योंकि 14 दिन आपको अगर क्वारंटाइन रखे, 7 दिन अभी जैसे चल रहा है 7-14 दिन का, तो अगर 14 दिन नहीं तो आपको अगर 7-7 दिन 10-10 दिन भी क्वारंटाइन तो पक्के रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, तो क्वारंटाइन की वजह से और भी टाइम बढ़ सकता है। तो इसके बीच में अगर कईयों के पेपर या फॉर्म भरने हैं तो ज़रूर भर लेना, और पेपर देने की कोशिश ज़रूर करना और पढ़ाई करते रहना। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी कैसे मिलती है। तो एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसपे मैंने प्रूफ दिखाया था अमेठी ट्रेनिंग सेंटर का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान 7 दिन की स्पेशल लीव एक कैंडिडेट ले सकता है। स्पेशल लीव यानी इमरजेंसी लीव, CL के रूप में आप 7 दिन की पूरी ट्रेनिंग के दौरान 7 दिन की 2 बार भी ले सकते हो, 3-3 दिन 2-2 दिन,
और एक बार में भी ले सकते हो। एक बार में किस कंडीशन में मिलती है, एक बार 7 दिन की केवल एक ही कंडीशन में मिलती है, डेथ। उसके अलावा कोई भी रीजन में 7 दिन की एक साथ छुट्टी नहीं मिलती दोस्तों। अगर परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो 7 दिन की छुट्टी मिलती है, बाकी इसके अलावा छुट्टी नहीं मिलती। अब जो 2 दिन या 3 दिन की जो छुट्टी मिलती है वो कैसे मिलती है तो वो मैं बता दूँ। टोटल 7 दिन है, उसमें से ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार मिले या नहीं मिले, ये मैं नहीं कहता 100% कि आपको मिले या नहीं मिले, वो आपके जो ट्रेनिंग सीओ रहेंगे उन पर डिपेंड करता है। जो आपके कमांडेंट रहे हैं वो आपको छुट्टी दे या नहीं दे, या ट्रेनिंग डीआईजी रहते हैं उन पर डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी छोड़े या नहीं छोड़े। तो उसको उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि आपको 2 बार मिलेगी, 1 बार मिलेगी, लेकिन हाँ कि पहले की जो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है 3 महीने, उसके दौरान थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन हाँ अगर उसके बीच में कि अगर कोई आपका अच्छा पेपर है तो भी आप ट्राई ज़रूर करना, आपको छुट्टी मिलने के चांसेस रहेंगे, तो भी आप ट्राई ज़रूर करना छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देना। आपका फॉर्म जो एडमिट कार्ड आता है, फॉर्म अप्लाई किया जो एडमिट कार्ड आता है, वो एडमिट कार्ड वहाँ आप एप्लीकेशन के साथ लगाओगे मेरा ये एग्ज़ाम है, तो आपका चेक किया जाएगा कि आपका रियल में एग्ज़ाम है, तो आपको 2 से 3 दिन की छुट्टी छोड़ दी जा सकती है। उसके बाद में अगर आपके 3 महीने के बाद में अगर कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3 महीने के बाद में फिर आपका आसान हो जाता है, क्योंकि 12वीं का जो ट्रेनिंग होता है उसके बाद में जो टेस्ट होता है उसको क्लियर करने के बाद में आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग में छूट दी जा सकती है। तो मतलब 2-3 दिन की रेस्ट के रूप में आपको कोई पेपर है, एग्ज़ाम है, या आपकी सिस्टर की शादी, तो उसमें छुट्टी मिल सकती है। सिस्टर ब्रदर की शादी में मिले ना मिले, सिस्टर की शादी के लिए मिल सकती है दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल सकती है। तो छुट्टी से संबंधित ये चीज़ थी कि कई बोल रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में हमको स्पेशल छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कईयों के एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी, अब एक बार साथ में ये भी आ जाता है कि तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डिपेंड ऑन यू करता है, मैं पहले बता दिया तैयारी की, आप कितना आप तैयारी करते हो आप पे, खाली आपको फुर्सत का टाइम थोड़े से दिन नहीं मिलेगा, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, तो पढ़ने वाला पढ़ ही लेता है, 2-3 घंटे आपको रिफ्रेशन का टाइम मिल जाएगा, तो 1-2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़ सकते हो, तो उतना सा टाइम आपको मिलेगा। तो अगर आपको पढ़ना तो आप ज़रूर पढ़ सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम है फॉर्म ज़रूर भर लेना, आपको छुट्टी मिल जाएगी जिस हिसाब से मैंने बताई, उस हिसाब से आपको छुट्टी 100% मिल जाएगी। हाँ, ट्रेनिंग में अब आपको वो डिपेंड करता है कि आपके सीओ कैसे रहते। हमारे टाइम में हमको 2-2 बार भी कुछ लोगों को मिली थी, 2 बार भी गया था उसका एग्ज़ाम था, जैसे मैंने भी बताया था मेरा भी, तो मिलती है छुट्टी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर आजकल मिल जाती है, क्योंकि सभी फोर्सेस चाहती है कि किसी को भी करियर ख़राब ना करें, आप फोर्स के मेंबर हो इसीलिए वो भी आपकी प्रति मतलब चाहती है कि इसका भी करियर खराब ना, अगर वो ऊंचे पोस्ट पे आ रहा है, CPO से SI बन के आ रहा है, तो उनको भी खुशी होती है और वो भी चाहते हैं कि ज़रूर इनकी तरक्की हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, और ध्यान रहे कि अगर अप्रैल में अगर कोई आपका पेपर या रीट का या कोई भी पेपर है तो उसका फॉर्म तो आप ज़रूर ही लगा देना, क्योंकि उसमें आपको आसानी से छुट्टी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जय हिंद, जय भारत।